डियर स्टूडेंट, आपने देखा घातांक और कड़ी पर हमने अब तक कुल 3 वीडियो आप तक पहुंचा दिया, यानी 93 क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं। 93 टोटल 106-107 क्वेश्चन हैं, जिसमें 93 क्वेश्चन आप तक पहुंच गए। अब थोड़े से बचे, 94 से लेके 106-107 तक है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है। थोड़े साइज में कुछ सवाल ऐसे थे जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा काम करना था, तो मैंने कहा इसका एक अलग वीडियो बना दे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो वह भी वीडियो आप तक पहुंचने वाला है। आइए देखते हैं, सवाल है आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। अब इसमें देखिए नया क्या है, इसमें नया ये है कि 3 पद यहाँ पर है। अभी तक आपने जो भी प्रमेयीकरण किया होगा तो वहाँ पे ज़्यादातर 2 पद दिखाई पड़े होंगे। अब जब 3 पद आ जाता है तो उसके लिए कुछ सोचना पड़ता है, अलग से सोचना पड़ता है, और अलग से सोचना पड़ता है यानी 2 बार ऐसी घटना करनी पड़ सकती है प्रमेयीकरण की, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। आइए देखते हैं, तो 12 तो अपना जो है ही है, उसको छोड़ना है। तो 12 तो हमारे पास ऊपर बना हुआ है, अब नीचे आइए, इसको हम क्या करेंगे कि 3+√5 को एक साथ ले लेते हैं और ए समझ लेंगे और इसको बी समझ लेंगे। देखो ऐसे 3+√5 इसको हम एक साथ ले लेते हैं और वह है +2√2। अब इसको अगर हमें प्रमेयीकरण करना हो तो ए माइनस बी से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। आप ए की जगह पर ए है और बी की जगह पर ए है, आओ गुणा करते हैं, प्रमेयीकरण खाली करना और कुछ नहीं करना। तो ये बन जाएगा 3+√5, ये ए है और ये माइनस बी है, देखो 2√2, और फिर इसी से गुणा कर देंगे 3+√5 और फिर -2√2। अब जब आप इसका गुणा करेंगे 12 का, तो अंदर क्या होगा, ये तो ऐसे ही 12 गुणा हो जाएगा। अभी गुणा नहीं करते हैं, 12 रहने देते हैं, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3+√5 और -2√2। अब नीचे क्या होगा आप खुद देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माने इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर होगा। आओ करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में खुलेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में, ए स्क्वायर मतलब 9 प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 और प्लस 2ab यानी 2 × 3 = 6√5 और माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 2 × 4 = 8, ये बन गया। अब इसको थोड़ा सा अगर हम और शांत करें तो क्या हो सकता है, 9 × 5 = 14, 14 में से 8 घटाओगे 6 आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 6√5 और क्या है +6। आप समझ रहे हैं, 9, 5, 14 डिजिट की बात कर रहा हूँ, 9, 5, 14, 14 में से 8 घटाओ 6, 6√5 और फिर 6 बन गया। अब अगर हम इसमें 6 कामन ले लें तो यहाँ बन जाएगा √5+1 और इस 6 से ये 12 कट जाएगा, 6 × 12, यानी अब फाइनली आपके पास क्या है, मैं दोबारा लिखता हूँ, फाइनली है आपके पास ऊपर है 2 और ब्रैकेट में ये 3 है। अब तो चाहे गुणा भी कर सकते हैं, अब गुणा ही कर लीजिए, अब 2 का अंदर गुणा कर लीजिए तो ये बन जाएगा 2 × 3 = 6, देखो 2 × 3 = 6 और +2√5 और -2 × 4√2 और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ √5+1। अगर √5+1 आया हुआ है तो अब हम एक बार फिर से प्रमेयीकरण करेंगे √5−1 से, बस वही हमारा उत्तर बन जाएगा, √5−1 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास उत्तर बन जाएगा। बड़ा सिंपल होगा, कुछ भी खास नहीं करना होगा, खाली गुणा कर दीजिए आपका उत्तर बन जाएगा। आइए देखते हैं, तो ये सिंपल है, कुछ करना नहीं है। अब आपका पास खाली बस काम यही बचा है कि आराम से गुणा कर दीजिए और बस शुरू हो जाइए। तो गुणा करते हैं, तो पहले हम √5 का गुणा करेंगे ऊपर, ये हो जाएगा कितना 6√5, फिर √5 का इसमें गुणा करेंगे तो आप जानते हो 5 और 5 होके 5 और 5 × 10 हो जाएगा, फिर माइनस √5 का इससे गुणा करेंगे तो 4√10 हो जाएगा, फिर -1 का गुणा करेंगे इसमें तो -1 का गुणा करेंगे तो इसमें -6 बन जाएगा, फिर -1 का गुणा इसमें करेंगे -2√5 हो जाएगा और -1 का इसमें गुणा करेंगे तो +4√2 हो जाएगा, +4√2 हो जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा देखिए, नीचे हो जाएगा 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 होगा, 1 निकालोगे तो 4 आ जाएगा, ये आ गया 4। अब इसको फाइनली इकट्ठा करने की बात, इकट्ठा कैसे कर सकते हैं, देखो ये 6√5 है, में से 2√5 निकाल लोगे तो आ जाएगा 4√5, ऐसे ही ये देखो -4√10 और क्या बचा है +4√2। अब देखो 10 में से 6 घटा दोगे तो 4 आ जाएगा +4, देख रहे हो सारी बात खत्म हो गई। ये देखो इसको एक साथ लिया था
पाँच वाला, फिर क्या किया, दस को एक साथ ले लिया, फिर इसके बाद में चार रूट दो लिख दिया और फिर गिनती लिख दिया। अपान चार है, अगर अपान चार है तो आप जानते हो ऊपर से चार कामन हो सकता है, और जब हम चार कामन लेंगे ऊपर तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा रूट फाइव, यहाँ बचेगा माइनस रूट टेन, यहाँ बचेगा प्लस रूट टू, और यहाँ बचेगा प्लस वन, और नीचे रहेगा चार, और इस चार से ये चार कट जाएगा। अब यही आपका उत्तर है, ये देखो कहीं मैच करा लो, कहीं न कहीं पर जरूर होगा। तो वन प्लस रूट फाइव, ये देखो बी विकल्प, ध्यान से देखो बी विकल्प की तरफ देखो, बी विकल्प मिल सकता है, वन पॉजिटिव है, रूट फाइव पॉजिटिव है, रूट टू पॉजिटिव है, और रूट टेन पॉजिटिव, ये आपका बी उत्तर सही चला गया। आप इसको देख लीजिए कितना काम करना पड़ा, क्या किया हमने, इसको मैंने एक साथ अलग अलग कर लिया और फिर दो बार परिमेयीकरण करना पड़ा, और ये आपका उत्तर आपके पास पहुँच गया। कठिन आसान के नज़रिए से ना देखा जाए, यह देखा जाए कि हाँ इसे ऐसे किया जाता है। अब यहाँ पे आइए, इस सवाल को लगाना मुश्किल नहीं है, ये आसान होता है। पहले इसको ले लीजिए केवल नीचे वाले 16 प्लस सिक्स रूट सेवन, अगर आप 16 प्लस सिक्स रूट सेवन लिखने की कोशिश करेंगे ऐसे, तो हम लिख सकते हैं 16 प्लस सिक्स को मैं लिख सकता हूँ दो गुणा तीन और रूट सेवन। अब होगा क्या, मुझे सिर्फ यहाँ दो चाहिए, तीन नहीं चाहिए, तभी हमारा फार्मूला बन पाएगा। तो तीन अंदर ले जाएंगे तो तीन की नौ बनकर अंदर जाएगा, तिरसठ हो जाएगा अंदर, ऐसे हो जाएगा 16 प्लस टू अंडर रूट तिरसठ। अब दो संख्याएं मन में सोचो जिसको जोड़ने पर 16 आए, गुणा करने पर तिरसठ, नौ और सात आप ले सकते हैं। तो इसको आप लिखेंगे अंडर रूट नौ और प्लस अंडर रूट सात। अंडर रूट नौ को आप तीन कह सकते हैं, यानी तीन प्लस रूट सात कह सकते हैं इस वैल्यू को, और ये वैल्यू चूंकि निगेटिव है तो इसको तीन माइनस रूट सात लिख सकते हैं। आइए दोबारा लिखते हैं, अब मैं लिख रहा हूँ रूट सेवन अपान, ये हो जाएगा थ्री प्लस रूट सेवन, और फिर माइनस, जब माइनस चिन्ह लग जाता है तो अंदर ये क्या बना था, थ्री माइनस रूट सेवन था, और थ्री माइनस रूट सेवन देखो ब्रैकेट में लिख देता हूँ, थ्री माइनस रूट सेवन। अब ब्रैकेट जब आप खोलेंगे तो क्या होने जा रहा है, रूट सेवन अपान थ्री रूट सेवन और माइनस थ्री, नहीं थ्री प्लस रूट सेवन माइनस थ्री और प्लस रूट सेवन, ये रूट सेवन। अब क्या हुआ, ये दोनों थ्री कट गए, ऊपर क्या बचा रूट सेवन और नीचे बचा टू रूट सेवन। अब क्या होगा, रूट सेवन कट जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा वन अपॉइंट टू, ए विकल्प आपका सही जा रहा। आप देख लीजिए कैसा सवाल था और उसे कैसे समझा गया, ये है गणित, है ना, गणित बहुत इंटरेस्टिंग है, बस मज़े से लगाइए आनंद आ जाएगा। ए की वैल्यू दिया गया है, बी की वैल्यू दिया गया है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा गया। हम क्या करेंगे, पहले तो इसका हम अंडर रूट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, दो संख्याएं सोचेंगे जिसको जोड़ने पर सात आता हो, गुणा करने पर बारह, तो चार और तीन दो संख्याएं मिल रही, तो हमारे ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट चार, ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट चार और प्लस अंडर रूट तीन। अंडर रूट चार को हम लिख सकते हैं दो प्लस अंडर रूट तीन, ये है ए की वैल्यू। और बी की वैल्यू क्या आ रही है, यही चीज़ निगेटिव आ जाएगी, दो माइनस रूट थ्री। अब ए और बी दोनों हमारे पास आ चुका है, हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए। अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला याद है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसको नहीं लगाना, क्या लगाना है आओ बताएं, ए प्लस बी के होल क्यूब वाला फार्मूला लगाना, कैसे लगाना आओ दिखाते हैं। देखो अगर हम जानते हैं एक बात कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब कह सकते हैं, कह सकते हैं। अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब यही रोक ले तो ये वैल्यू उधर चली जाएगी, ऐसे हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस हो जाएगा थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी। हमें इसमें रखना, हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है, अब हम यहीं पर रखने जा रहे हैं। तो ए प्लस बी का होल क्यूब कहा है, ए का मतलब ये हुआ और बी का मतलब ये हुआ, ज़रा जोड़िए, तो ये हो जाएगा टू प्लस रूट थ्री और प्लस टू माइनस रूट थ्री का होल क्यूब है माइनस थ्री ए बी। ए बी करोगे आप, ए प्लस बी ए माइनस बी का गुणा हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो दो स्क्वायर माइनस चार होता है, तीन स्क्वायर तीन ही रहेगा, तो चार में से तीन घटाओगे एक आ जाएगा, यहाँ एक लिख देंगे, और गुणा ए प्लस बी करोगे तो ए प्लस बी करने पर रूट थ्री खत्म हो जाएगा, दो दो चार हो जाएगा। अब यही हल करना है, देखो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर माइनस था, यहाँ देखो ये जो प्लस लिखा हुआ है यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस
ये देखो फिर से लिख देता हूँ, इस बात को फिर से लिखता हूँ, ए भी हटा दो एक बार दोबारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो टू प्लस रूट थ्री और प्लस टू माइनस रूट थ्री ये है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे रूट थ्री कट जाएगा, ये हो जाएगा चार, दो प्लस दो चार, चार का क्यूब होता है चौंसठ और माइनस तीन एक के तीन चौक के बारह। अब चौंसठ में से बारह घटा दोगे तो बावन आ जाएगा, ये आपका उत्तर है। कहाँ है, अच्छा इसमें विकल्प है, हाँ जी हाँ विकल्प है, ये देखो आपका बावन उत्तर सही चला गया। करना क्या था, पहले हमने क्या किया, ए का मान निकाला, फिर बी का मान निकाला और फिर इस वाले फार्मूले में रख दिया, खाली रख दिया, हमारा उत्तर बन गया। यही करना, आप उस वाले में न रखिएगा नहीं तो परेशान हो जाएंगे। देखो यहाँ क्या लिख रहा है, ए का पावर एक बटा तीन, बी का वाई का पावर एक बटा तीन बराबर जेड का पावर माइनस एक बटा तीन, और कह रहा है इसका मान बता दो। कैसे मान बता देंगे, आओ दिखाते हैं। आप जानते हो इसको अगर ये बराबर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स पावर एक बटा तीन और प्लस वाई पावर एक बटा तीन, और इसको अंदर ले आओगे तो आ जाएगा माइनस जेड का पावर एक बटा तीन और बराबर जीरो आ जाए। आप एक बात जानते होंगे कि एक प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो आ जाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाता है थ्री ए बी सी। याद आ रहा आपको, एक फार्मूला है अलजेब्रा का, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर शून्य होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाता है थ्री ए बी सी। यही फार्मूला यहाँ लग जाना है। अब क्या करेंगे, हम इसको होल क्यूब कर देंगे, करें तो देखो क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ना, या फिर इसको यहीं पर होल स्क्वायर कर, होल क्यूब कर दीजिए तब भी आ जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर थ्री ए बी सी आ ही जाना है। तो क्या करें, अगर हम इसको बराबर पर ही क्यूब कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर इसको ना लिखें तो हम तो इतना बात जान ही गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारा वो फॉर्मेट बन के तैयार हो जाए। वो फॉर्मेट कैसे बन जाएगा और दिखाते हैं। तो हम पहले इसका क्यूब करेंगे, इन दोनों को इधर और इधर ऐसे क्यूब कर देंगे, कर देंगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा। और अगर हो जाएगा तो इस फार्मूले से हम इसको लगाते चले जाएंगे, यानी बहुत आसानी से खाली वैल्यू रख देंगे तो ये वैल्यू अब प्लस सत्ताईस बराबर सत्ताईस हो जाएगा, इधर आएगा तब क्या हो जाएगा, सोचो जरा लगाने की कोशिश करो। देखो तो आप देखो जैसे हम इसका होल क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ऐसे फार्मूला बनता जाएगा। तो ए क्यूब करोगे तो खाली एक्स बनेगा, प्लस बी क्यूब करोगे तो खाली वाई बनेगा, और प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, थ्री ए बी करोगे तो तीन, और ए माने क्या होता है एक्स पावर एक बटा तीन और वाई पावर एक बटा तीन थ्री ए बी, और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए प्लस बी माने क्या होगा एक्स का पावर, ए प्लस बी के साथ जेड का क्यूब हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लो लिख दिया। ए प्लस बी की जगह पे हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जेड का पावर एक बटा तीन, और बराबर क्या हो जाएगा, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, ए प्लस बी बराबर बी का क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो खाली जेड आ जाएगा। अब इस जेड को हम अंदर करेंगे और बाकी इसको उधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई और माइनस जेड बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस थ्री एक्स पावर एक बटा तीन, वाई पावर एक बटा तीन और जेड पावर एक बटा तीन। अब क्या करेंगे, हम होल क्यूब कर देंगे दोनों साइड का। अगर हम दोनों साइड का होल क्यूब कर दें ऐसे तो क्या होने जा रहा, इधर तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा तीन का क्यूब करोगे तो हो जाएगा माइनस सत्ताईस सत्ताईस एक्स वाई जेड, क्योंकि क्यूब लगा सारे खत्म हो जाएंगे। अब अगर इनको हम अंदर करना चाहें तो क्या बन जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, अब बल्कि ब्रैकेट हाँ ठीक है, देखो इसको इधर कर दिया क्यूब और माइनस, ये वैल्यू इधर आएगी तो प्लस आ जाएगा, प्लस सत्ताईस एक्स वाई जेड बराबर राइट साइड में क्या हो जाएगा जीरो, और ये हमारा उत्तर आ गया जीरो। देखिए इसी का मान पूछा गया था, प्लस सत्ताईस एक्स वाई जेड का मान क्या हो जाएगा, तो हम कह देंगे जीरो आ जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, बार बार देख लीजिए और फिर लगाइए, आपको एकदम पक्के से याद हो जाएगा। कह रहे हैं दो पावर पचास का दुगुना क्या हो जाएगा, अच्छा बताओ दो का पावर पचास है का दुगुना करना, तो दुगुना माने पावर एक, अब बताओ क्या होता, गुणा में घाते जुड़ती है, दो का पावर क्या हो जाएगा इक्यावन, ये आपका उत्तर है। इतना छोटा सवाल है, इंटरव्यू में पूछा जाता, जी हाँ इंटरव्यू में पूछा जाता है, और लोग सोचने लग जाते यार दो पावर पचास का दुगुना कैसे करेंगे। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, ये देखो क्या करेंगे, सबका पावर पलटेंगे और पलट करके लिख देंगे, हमारा उत्तर बन जाएगा। देखो लिखा है पाँच का पावर एक और सात का स्क्वायर, तो क्या करेंगे,
ये माइनस वाली वैल्यू ऊपर ले जाएंगे, इधर ऊपर वाले माइनस वैल्यू नीचे लाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो देखो ये है 7 स्क्वायर और गुणा ये 7 पावर ऊपर 4 चला जाएगा, 7 पावर 4 और नीचे 5 को ले जाओ, 5 स्क्वायर यहाँ पहले से था और गुणा 5 पावर 1 यहाँ हो जाएगा और पावर 7 बटा 2 ऐसे रहने दो। अब गुणा यहाँ चलो इसको भी ऐसे करना पड़ेगा, 7 का क्यूब और गुणा 7 का पावर 5 ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा और नीचे क्या है 5 का पावर 3 और गुणा 5 का पावर 2 ऐसे बन जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या लिखा है माइनस 5 बटा 2, माइनस 5 बटा 2 आप इतना जानते हैं अगर माइनस है तो इसे पलट दिया जाएगा प्लस बन जाएगा। आओ देखा जाए अगर प्लस बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, आओ समझते हैं इसको हल करने की कोशिश करेंगे करेंगे तो क्या बन जाएगा 7 का पावर क्या बन जाएगा 4 दो 6, यहाँ क्या बन जाएगा 5 का पावर 3 और पावर क्या लिखा हुआ है ये है पावर लिखा है 7 बटा 2। अब यहाँ चलिए यहाँ पे क्या होगा ये इसको हम पलट देंगे, वो माइनस अगर हम हटाना चाहते हैं ये माइनस हटाना चाहते हैं तो इसे मुझे पलटना पड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा 5 का पावर 5 ऊपर पहुँच जाएगा गुणा में घाते जुड़ते और नीचे 5 3 8 7 का पावर 8 नीचे हो जाएगा। अब इसका पावर हो जाएगा 5 बटा 2 हो जाएगा। अब ये कहानी आपके सामने आ चुकी है, अब अगर आप इसको लगाने की कोशिश करें तो बड़े आराम से उत्तर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा और दिखाते हैं। अब हम काट देंगे इसको, देखो 7 बटा 2 है 5 बटा 2 लेकिन बेस बराबर नहीं, अगर बेस बराबर होता तो आराम से हम एक साथ इसको कर सकते थे लेकिन बेस नहीं बराबर है तो हम क्या करेंगे तो हम लिखने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसको वर्गमूल निकालने की कोशिश करें कैसे करें देखो, अगर ये 6 है अलग अलग हम लिखें ऐसे 7 का पावर 6 गुणा 7 बटा 2 ऐसे ही 5 का पावर 3 गुणा 7 बटा 2 तो होगा क्या ये संख्या यहाँ से कटेगा नहीं 15 बटा 2 आ जाएगा। और फिर इसी तरह से यहाँ लिखेंगे 5 का पावर 5 गुणा 5 बटा 2 और फिर नीचे हो जाएगा 7 का पावर 8 गुणा 5 बटा 2। अब ऐसा हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं क्या होने जा रहा है, सब कटने वाला है, कटेगा आराम से कटेगा। देखो 7 का पावर क्या हो गया 6 सत्ते 42 बटा 2 यानी 2 3 6 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का पावर 21 और गुणा यहाँ हो जाएगा कितना 5 का पावर 25 बटा 2, 5 का पावर 25 बटा 2। अब नीचे क्या हो जाएगा 5 का पावर 21 बटा 2, 5 का पावर 21 बटा 2 और यहाँ हो जाएगा 2 से ओके 8, 7 का 4 5 20, 7 का पावर 20 हो जाएगा। अब आप जानते हैं भाग में घाती घटती है तो 7 का पावर 21 में 7 का पावर 20 से भाग दोगे तो क्या बन जाएगा 7 का पावर 1 बचेगा और 25 बटा 2 में 21 बटा 2 से भाग दोगे तो क्या होने जा रहा है 25 बटा 2 में से 21 बटा 2 घटेगा तो कितना बचेगा 4 बटा 2, 4 बटा 2 का मतलब 2 होता है तो 5 का पावर 2 बचेगा यानी 7 गुणा 25 हो जाएगा और 25 सत्य कितना हो जाएगा 175। गजब का सवाल है आपके सामने है, देखो मैं लिखता चला गया अपने आप आता चला गया, कुछ नहीं करना है करता चला गया, ये है सवाल। आइए देखिए क्या सवाल दिया गया है, अजब सा घुमावदार है ना। x का पावर m अपान, देखो मैं दोबारा लिखता हूँ, x का पावर m अपान m माइनस n, अच्छा ठीक अपान x का पावर m अपान m प्लस n, m प्लस n और गुणा है x का पावर n अपान n माइनस m और टोटल के अपान x का पावर n अपान n प्लस m, यही आपको हल करना है। अब देखो दोनों काम हो सकता है, गुणा में घाते जुड़ती है, भाग में घाते घटती है, अब आप दोनों में से जो काम अच्छे से कर सकते हो कर तो कर लो, क्या कर सकते हो आप। अगर इसको हमें हल करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको इसको घटा दें और फिर लास्ट में हल करें और या तो हम इसी समय इसको पलटने की कोशिश करें, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। और इन सब के ऊपर भी एक पावर बना हुआ है, उसका नाम है m प्लस n। m प्लस n का मतलब होता है कि ये सबके ऊपर पावर में ऊपर वाले अंश से गुणा करेगा और गुणा करेगा तो बहुत आराम से फिर संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी और आराम से आपके कट जाएंगे। आओ देखते हैं, बस खाली घुमाना फिराना है और कुछ नहीं करना है, कोशिश करिए। अब देखो अगर हम इसको गुणा करते हैं तो इनका गुणा में घाते जुड़ती आप जानते होंगे, देखो एक्स का पावर है एम अपान एम प्लस माइनस एन और प्लस एन अपान एन माइनस एम। अब नीचे आ जाइए, यहाँ होगा एक्स का पावर एम अपान एम प्लस एन
और यहाँ पे हो जाएगा प्लस एन अपान एन प्लस एम। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बदलाव आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा m माइनस एन, यहाँ पे लिखा n माइनस एम, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो गणित में एक व्यवस्था लिखा हुआ, प्लस में तो दिक्कत ना आएगी, माइनस में तो दिक्कत आएगी, और इन सब के ऊपर पावर ये बना हुआ है m प्लस एन। गणित में क्या पावर है व्यवस्था कि आप अगर यहाँ माइनस चिन्ह लगा दे तो ये संख्या पलट जाती है, माइनस चिन्ह बना दे, और अगर आप यहाँ माइनस चिन्ह बना देते हैं तो m माइनस एन हो जाएगा, तो ऊपर भी m माइनस एन हो जाएगा, नीचे भी m माइनस एन हो जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए x का पावर ये है एम अपान एम माइनस एन, और यहाँ माइनस चिन्ह लगा दो तो ये हो जाएगा एन अपान एम माइनस एन। अब जरा आप बताओ, नीचे का हर बराबर होगा तो अंश भी तो बराबर हो गया एम माइनस एन, तो ये क्या बन गया? फिर से देखो इसी बात को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एक्स का पावर एम माइनस एन अपान एक्स का पावर एम माइनस एन, और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो यहाँ से यहाँ तक की बात बराबर हो गई, और उसके बाद नीचे अपान आओ तो ये तो प्लस वाला ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स अपान ये जो प्लस सीधे जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा एम प्लस एन अपान एम माइनस एन। अब बताइए, ये देखो दोनों वैल्यू बराबर आ गई तो कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, देखो एम माइनस एन अपान एम माइनस एन, और उसके ऊपर का पावर क्या बना हुआ है? उसके ऊपर पड़ा हुआ है एम प्लस एन का, ये पावर बना हुआ है एम प्लस एन का पावर बना हुआ। अब बताइए जब हम भाग देंगे तो अब ये संख्या कटेगी। अच्छा बताओ एम माइनस एन अपान एम माइनस एन क्या हो जाएगा? ऐसे ही एम प्लस एन अपान एम प्लस एन क्या हो जाएगा? ये दोनों ऊपर नीचे भाग कट जाएगा तो एक्स पावर एक एक्स पावर एक हो जाएगा, एक्स पावर एक एक्स पावर एक हो जाएगा तो एक्स पावर एम प्लस एन आ जाएगा, और एम प्लस एन आ जाएगा तो उनको आप अलग अलग भी कर सकते हो और चाहे एक साथ भी लिख सकते हो। देखो तो देखिए अब ये रहा आपका एम प्लस एन, तो अब देखो ये सारी वैल्यू कट गई ना, इसके पर एक आएगा एक्स पावर हो जाएगा तो एक्स बटा एक्स हो गया। अब ऐसे हो गया, देखो एक्स बटा एक्स हो गया, इसका वैल्यू वन होता है और वन का पावर ये तो अभी एम प्लस एन बचा ही रहेगा। तो बताओ एक्स एक का पावर कुछ भी कर लो, एक का पावर कुछ भी कर लो, क्या उत्तर बन जाएगा? केवल एक आ जाएगा, कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा। तो बस इसको देखने में कितना बड़ा सवाल था, अब बस आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि वह वैल्यू बन करके एक बन जाएगी। अब देखो एकदम बस ख़त्म ही होने वाला है, ए की वैल्यू ये दिया हुआ है, बी की वैल्यू ये दिया है, इसका मान ज्ञात करना। तो इनको ज़रा ध्यान से देखो, हमको इसको ए प्लस बी करना हमारे बहुत आसान है और ए गुणा बी भी करना बहुत आसान है, तो इसको हम क्या करेंगे ए प्लस बी के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। आओ देखें कैसे, जैसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर लिखा, तो अगर यहाँ टू ए बी लिखा होता तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता, लेकिन एक ए बी कम पड़ रहा है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस ए बी और माइनस ए बी? ऐसे नीचे में आ जाओ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ, तो अगर इसमें हम प्लस थ्री ए बी कर दें तब टू ए बी बन पाएगा, तो इसमें हम प्लस थ्री ए बी कर दें और फिर माइनस थ्री ए बी कर दें। ऐसा करने से हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप एक साथ देखें तो यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए बी, और यहाँ बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस थ्री ए बी, यहाँ बन गया माइनस थ्री ए बी। अब यही हमें हल करना, ये करना हमारे लिए कितना आसान है, a प्लस बी देखो हम कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम रूट फाइव प्लस वन कर रहे हैं और अपान रूट फाइव माइनस वन करें और फिर प्लस रूट फाइव माइनस वन करें और रूट फाइव प्लस वन करें, तो देखो ऐड करना कितना आसान है, इसका स्क्वायर और नीचे इनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल करोगे तो यहाँ चार ही आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो ऐसे बन जाएगा रूट फाइव प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस रूट फाइव माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर ब्रैकेट में होता है टू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पाँच प्लस एक हो जाएगा और नीचे हो जाएगा चार, तो पाँच एक छः छः दूनी बारह, बारह बटे चार करोगे तो तीन आ जाएगा, यानी a प्लस बी की वैल्यू तीन आ गई, और a गुड़ा बी की वैल्यू करोगे तब कितना आ जाएगी? देखो ये a प्लस बी की वैल्यू था, अब a गुड़ा बी की वैल्यू भी देख लो, ये हो जाएगा रूट फाइव प्लस वन अपान रूट फाइव माइनस वन और गुड़ा रूट फाइव माइनस वन अपान रूट फाइव प्लस वन, तो ये होगा ये इससे कट जाएगा इससे कट जाएगा, इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, तो यानी a प्लस बी की वैल्यू तीन आई है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं तीन स्क्वायर माइनस वन, यहाँ लिख सकते हैं तीन स्क्वायर माइनस तीन, तो तीन स्क्वायर में नौ में से एक घटाओगे आठ आएगा और नौ में से तीन घटाओगे छः आएगा, छोटा करोगे दो चौक आठ दो तीन छः चार बटा तीन आ जाएगा, चार बटा तीन कहीं दिख रहा है, ये रहा उत्तर। तो सवालों को अगर आप समझ जाते हैं तब ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और फिर वैल्यू आ जाएगी।
देखो एक्स की वैल्यू ये है और इसका मान पूछा गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट एक्स का मान निकाल लेते हैं। बताओ रूट एक्स का मान क्या हो सकता है, इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, दोनों तरफ साइड में वर्गमूल ले लो। दो संख्याएं मन में सोचो जिसको जोड़ने पर 3 आता हो, गुणा करने पर 2 आता है, 2 और 1, ये बन जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1। तो अगर रूट एक्स की वैल्यू ये है तो 1/√x की वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1। अब इसको हम परमेयीकरण करेंगे तो √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 हो जाएगा, बोलो। तो ये बन जाएगा ऊपर √2 माइनस 1 और नीचे बन जाएगा 1, यानी √2 माइनस 1। अब बताओ हमें रूट एक्स में से 1/√x माइनस करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, √x-1/√x बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, √2 प्लस 1, और माइनस इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है √2 माइनस 1। तो अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो √2 प्लस 1 और -√2 और +1 हो जाएगा, ये दोनों √2 कट जाएगा, हमारा उत्तर बन जाएगा 2। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि जो लड़का रूट पर अगर अपना अभ्यास नहीं बनाया है उसके लिए वह भी लिखना कठिन हो जाता। देखो यह सवाल है 1 से लेकर 100 तक जाता है, आप तो जान ही रहे हैं कि संख्या क्या बनने जा रही है, ये कटने वाली संख्याएं हैं, क्योंकि इतना बड़ा सवाल कौन लगाता है पता, ये तो एकदम सीरीज का सवाल हो गया, सीरीज का बन करके ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखिए ये सवाल में क्या होगा कि खाली ये सीरीज का सवाल है, हम एक संख्या लेके परमेयीकरण कर देंगे। आप एक बात जानते होंगे कि प्लस में संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, यानी 1+√2 की जगह अगर हम √2+1 करें या √3+√2 करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सारी संख्याओं की तरफ देखा जा सकता है। तो इसको जब हम देखेंगे 1/√2+1 को परमेयीकरण करेंगे, ये बन जाएगा √2 √2-1/√2-1। तो अब क्या होगा, यहाँ पर +1, तो अब इनका देखो जब परमेयीकरण आप करोगे तो ऊपर तो हो जाएगा √2-1 और नीचे क्या हो जाएगा a²-b² 2-1 2-1 1 ही होता, तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी इस वैल्यू के बदले हम लिख सकते हैं √2-1 1, बोलो। अब इसके बाद क्या है, प्लस इसके बदले लिख सकते हैं √3-√2, बोलो क्या लिख सकते हैं, √3-√2। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, √4-√3। अब ऐसे लिखते चले जाएंगे, कहाँ तक लिखते चले जाएंगे, √100 और −√99 यहाँ तक लिख देंगे। अब होगा क्या कि ध्यान से देखो अगर, तो हमारा √2+√2-का कट गया, फिर √3+√3- का कट गया, और ये कटता चला जाएगा यहाँ तक सब कट जाएगा, खाली यहाँ पे 1 बचेगा −1 और लास्ट में बचेगा √100। √100 को हम 10 कह सकते हैं, तो आप बताओ 10 में से 1 घटाओगे क्या उत्तर बन जाएगा, 9 आ जाएगा। इस पूरे सवाल का उत्तर आसानी से 9 आ जाएगा, खाली बस लिखना है और उत्तर दे देना है, बस। इसे कहते हैं सीरीज के प्रश्न, एकदम सीरीज का प्रश्न यहाँ भी दिख रहा है, देखो एकदम वही कहानी करेंगे, इसको भी हम √4-√3 लिख देंगे, √4 और +√3 लिख देंगे। ऐसे में जब परमेयीकरण करें, क्योंकि एक का अंतर है तो नीचे एक ही आएगा, तो ये संख्या ऊपर जब जाएगी तो बनेगी √4-√3, और ये संख्या ऊपर बनेगी तो बनेगी √5-√4, देखो। अब फिर ये संख्या ऊपर जाएगी तो बनेगी √6-√5, फिर ये संख्या ऊपर जाएगी तो √7-√6, फिर ये संख्या जाएगी तो √8-√7, अब फिर ये संख्या ऊपर जाएगी तो √9-√8 बन जाएगा। अब यहाँ तो चूंकि छोटी संख्या थी तो मैंने सारी लिख डाली, अब यहाँ साफ साफ दिखेगा आपको कैसे कट रहा है, ये 4-4 यहाँ से कट गया, ये 5-5 यहाँ से कट गया, ये 6-6 यहाँ से कट गया, ये 7-7 यहाँ से कट गया, 8-8 यहाँ से कट गया। आपके पास यहाँ बचा है √3 और वहाँ बचा है 9, 9 को हम 3 कह सकते हैं, तो 3-√3 आपका उत्तर बन गया, 3-√3 आपका सी विकल्प सही है। तो इतना आसानी से होता अगर आप परमेयीकरण करना जान जाइए तो, खाली लिखना है और उत्तर देना है बस। सेम कहानी फिर यहीं पर आ गई, ये बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि आप इसको समझ लो। अब ये संख्या जो देखो माइनस है और एक अंक का अंतर, तो ऊपर जाके प्लस बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, देखो √100 और +√99, लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह बना है, ये जब दोनों जाएंगे प्लस जरूर बनेंगे, लेकिन माइनस चिन्ह होने की वजह से दोनों माइनस हो जाएंगे, ये बन जाएगा √99-√98। अब चलो यहाँ पे देखो प्लस बना है, तो ये दोनों जाएंगे तो प्लस ही बन जाएंगे, प्लस बनेंगे तो √98 और +√97 बनेंगे, और ये होता जाएगा, ये माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस होगा, लेकिन बाहर माइनस चिन्ह लगा हुआ तो दोनों माइनस हो जाएंगे, −√3-√2 बन जाएगा, और ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो फिर बन जाएगा √2+√1 बन जाएगा। अब क्या होगा, ये भी खूब कटेगा, कटने के लिए ही बनाया जाता है, देखो ये देखो +99 -99 +98 -98 सब कटता चला जाएगा
खाली यहाँ 100 बचेगा, वहाँ 1 बचेगा, इसका वर्गमूल 10 होगा, उसका वर्गमूल 1 होगा, और 10 1 मिलाएंगे कि 11 बन जाएगा। और विद्यार्थियों देखो सारे सवाल अब आपके ख़त्म हो गए, कुल 105 सवाल थे, घातांक करने के पूरे सवाल आप तक पहुँच गए हैं। इनको आप लगाइएगा, मैसेज ज़रूर करिएगा, और जो बातें हमने कहा है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।